इस इमेज को देखे। दुनिया के कुछ महान भविष्यवक्ताओं में से एक नास्त्रदमस आज के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है अपनी भविष्यवाणियों को लेकर। 17 जून 1566 के दिन नास्त्रदमस ने अपनी वसीयत तैयार करवाई थी और फिर 1 जुलाई को अपने पादरी को बुलाकर अपने अंतिम संस्कार के निर्देश दिए और उन्होंने बताया कि कल रात होने से पहले मैं मर जाऊंगा। और जैसा उन्होंने बताया था, अगले दिन यानी 2 जुलाई 1566 के दिन उनकी मौत हो गई थी। इतनी सटीक भविष्यवाणी करते थे नास्त्रदमस। तो आज के इस वीडियो में हम नास्त्रदमस के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कितनी भविष्यवाणियां की थी, जो भविष्यवाणियां की थी उसमें से कितनी सही साबित हुई, किस किस घटनाओं की उन्होंने भविष्यवाणियां की थी, जो साल बीता 2020 उस बारे में उन्होंने क्या कहा था, इस साल यानी 2021 के बारे में नास्त्रदमस ने क्या क्या भविष्यवाणियां की है, तीसरे विश्व युद्ध को लेकर उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की है, हमारे भारत के बारे में उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की है, और दुनिया का अंत कब होगा उस बारे में नास्त्रदमस ने क्या लिखा है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो नास्त्रदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं, एक डॉक्टर और एक शिक्षक भी थे। ये प्लेग जैसी बीमारियों का इलाज करते थे और उनकी दवाइयां बनाते थे। इन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया था। जैसे अगर बीते साल 2020 की बात करें तो नास्त्रदमस ने कहा था कि हमारी पृथ्वी के पास से करीब 5 उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉइड गुजरेंगे, और ऐसा ही हुआ था, जिस बारे में आप में से कई लोगों को पता होगा। और साल 2020 में आर्थिक मंदी आएगी, जिस मंदी को हमने बहुत करीब से देखा, ये भी नास्त्रदमस ने लिखा था, लेकिन पहेलियां यानी कविताओं के रूप में। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नास्त्रदमस ने कविताओं के जरिए भविष्यवाणियां क्यों की, उन्होंने साफ साफ क्यों नहीं लिखा था। तो उसके कुछ कारण थे। भविष्य में होने वाली घटनाओं की सदियों पहले घोषणा करने वाले मशहूर नास्त्रदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उनका नाम मिशेल दी नास्त्रदमस था। इन्होंने 20-22 साल की उम्र से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दी थी। कुछ पुराने किताबों के अनुसार एक बार नास्त्रदमस अपने मित्र के साथ इटली की सड़कों पर कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने भीड़ में से एक युवक को अपनी ओर आते देखा। और जब वह युवक उनके पास आया तो नास्त्रदमस ने आदर से सिर झुकाकर उस युवक को नमस्कार किया। इसलिए उनके मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछा। तो नास्त्रदमस ने कहा कि यह युवक आगे जाकर पोप यानी पादरी बनेगा। और ऐसा ही हुआ था। उस युवक का नाम था फेलिस पेरेती, जो साल 1585 में पोप यानी पादरी बना था। ऐसी छोटी छोटी भविष्यवाणियां उन्होंने बहुत की थी जो सही साबित हुई, और इस कारण दूर दूर तक लोग नास्त्रदमस को जानने लगे थे। और ऐसे ही फ्रांस की महारानी कैथरीन भी नास्त्रदमस से बहुत प्रभावित हुई, और महारानी ने अपने बच्चों का भविष्य जानने के लिए नास्त्रदमस को राजमहल में बुलाया। अब नास्त्रदमस यह जान चुके थे कि इस महारानी के दोनों बच्चे बचपन में ही मर जाएंगे। अगर यह बात मैं महारानी को बताऊंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और मुझे सजा भी दे सकती है। इसलिए नास्त्रदमस ने महारानी के बच्चों का भविष्य प्रतीकात्मक छंदों में यानी चौपाई जैसे कविताएं होती है वैसे जवाब दिया। इस तरह से नास्त्रदमस ने अपना जवाब भी दे दिया जो महारानी को समझ में भी नहीं आया और उसे बुरा भी नहीं लगा। और इस घटना के बाद नास्त्रदमस ने यह तय किया था कि अब आगे की सभी भविष्यवाणियां मैं कविताओं यानी पहेलियों के रूप में लिखूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे। और उन्होंने साल 1550 में अपनी किताब लिखी लिस प्रोफेसिस या द प्रोफेसिस नाम की, जिस किताब में करीब 6338 जितनी भविष्यवाणियां उन्होंने लिखी थी। और यह किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। इस इमेज को देखें, यह उनकी किताब है द प्रोफेसिस। आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कविताओं के रूप में भविष्यवाणियां लिखी है। टोटल 6338 भविष्यवाणियों में से उन्होंने युद्ध के बारे में, राजाओं के बारे में, नेताओं के उदय और उनकी मौत के बारे में, भूकंप और महामारियों के बारे में, अकाल और सुनामियों के बारे में,
नई नई खोजों के बारे में। नास्त्रदमस ने लगभग हर चीज के बारे में लिखा था और इस पर काम करने वाले दुनिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका यह कहना है कि नास्त्रदमस ने जो 6338 भविष्यवाणियां लिखी है उसमें से करीब 70% भविष्यवाणियां सही साबित हुई है और अब तक नास्त्रदमस की 800 जितनी भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी है। तो इसमें से कितनी भविष्यवाणियां जो बहुत बड़ी थी वो सही साबित हुई, अब हम उसकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है द डेथ ऑफ हेनरी टू। यह तख्ता पलट की बहुत बड़ी घटना हुई हमारे इतिहास में, जिस बारे में नास्त्रदमस ने पहले ही बता दिया था कि फ्रांस के राजा हेनरी द सेकेंड मर जाएंगे। इस घटना के बारे में नास्त्रदमस ने लिखा था कि द यंग लायन विल ओवरकम द ओल्डर वन ऑन द फील्ड ऑफ कॉम्बैट इन अ सिंगल बैटल, ही विल पियर्स हिज आईज थ्रू अ गोल्डन केज टू वाउंड मेड वन देन इट डाई अ क्रूएल डेथ। इंग्लिश का गलत उच्चारण के लिए मैं माफी चाहूंगा, पर उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। तो इस कविता का मतलब होता है कि लड़ाई के मैदान में एक ही बारी में एक युवा शेर एक बूढ़े शेर को हरा देगा और बूढ़े शेर के शरीर में एक ही जगह पर दो बार हमला करेगा, जिस कारण बूढ़े शेर की दर्दनाक मौत होगी। और इस घटना में ऐसा ही हुआ था। साल 1559 में हेनरी द सेकेंड जो फ्रांस के राजा थे उसे बूढ़ा शेर कहा गया था और उससे 6 साल छोटे सेग्नेट डी लोर्गे को युवा शेर कहा गया था। तो 1559 में इन दोनों की लड़ाई हुई मैदान में, जिसमें युवा शेगनर ने बहुत वार किए हेनरी पर और आखिर में शेगनर ने एक ही जगह पर दो गहरे वार किए, जिसके साथ बूढ़ा शेर यानी हेनरी द सेकंड ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद जैसा नास्त्रदमस ने बताया था कि बूढ़ा शेर दर्दनाक मौत मरेगा, तो हेनरी द सेकंड इस लड़ाई के बाद 10 दिन तक जीवित रहे, लेकिन ये 10 दिन उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 10 दिन थे, क्योंकि हेनरी अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और तड़पते हुए उनकी मौत हो गई थी। तो नास्त्रदमस की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। और इसमें कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि लड़ाई के दौरान इन दोनों ने जो मुकुट पहने थे उन पर शेर यानी लायन का डिजाइन बनाया गया था। इस इमेज में आप देख सकते हैं शायद ऐसा कुछ पहना हुआ था उन दोनों ने, इसलिए नास्त्रदमस ने इस कविता में लायन शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरी भविष्यवाणी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। अगर मानव जाति का आज तक का इतिहास आप देखें तो किसी भी शहर में अगर सबसे बड़ी आग कहीं लगी हो तो लंदन में जो आग लगी थी साल 1966 में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये सबसे बड़ी आग थी। इस बारे में नास्त्रदमस ने लिखा था कि द ब्लड ऑफ द जस्ट विल बी लैकिंग इन लंदन बर्न अप इन द फायर ऑफ 66 द एशियंट लेडी विल टॉपल फ्रॉम हर हाई प्लेस मैनी ऑफ द सेम सेक्ट विल बी किल्ड। इसका मतलब है कि लंदन में खून की कमी होगी और 66 के साल में आग लगेगी, एक प्राचीन महिला अपने स्थान से उतरेगी और एक ही संप्रदाय के कई लोग मारे जाएंगे। तो नास्त्रदमस की सबसे फेमस भविष्यवाणियों में से यह भविष्यवाणी भी एक है, क्योंकि इसमें उन्होंने शहर का नाम और समय यानी साल 66 में यह घटना होगी और ऐसा ही हुआ था। 2 सितंबर 1666 के दिन एक छोटी सी बेकरी में आग लगी जो धीरे धीरे फैलती गई और 3 दिन तक लंदन शहर जलता रहा था, जिसमें हजारों घर जल गए थे और ईसाई संप्रदाय के बहुत से लोग मारे गए थे। इसके बाद तीसरी भविष्यवाणी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्रांति हुई थी उस बारे में भी नास्त्रदमस ने बता दिया था। इस बारे में उन्होंने लिखा था कि सॉन्ग सेंट्स एंड डिमांड विल कम फ्रॉम द इंस्लेव हेल्ड कैप्टिव बाय द नोबिलिटी इन देयर फ्राइजन एट अ लेटर डेट ब्रेनलेस इडियट विल टेक दिस एज अ डिवाइन यूटेरेंस। इसका मतलब है कि जिन लोगों को बंदी यानी गुलाम बनाया गया है वो खड़े होंगे और अपने अधिकारों को मांगेंगे, महाराजाओं को जेल में रखा जाएगा, उसके बाद एक इडियट यानी एक बेवकूफ इंसान को भगवान का दर्जा दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी में नास्त्रदमस ने समय और जगह के बारे में नहीं बताया था, इसलिए कई लोग कहते हैं कि नास्त्रदमस ने जो भविष्यवाणियां लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि किसी भी घटना पर वो सही साबित होती है, इसलिए कई लोग नास्त्रदमस को एक बहुत ही शातिर आदमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा ही ऐसा था
जो कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा। तो साल 1780 के दशक में फ्रांस के लोगों ने तय किया कि हमारे पास एक शासक है, तो हम राजा का विरोध करेंगे और हमारे शासक को फ्रांस का राजा बनाएंगे। इस कारण इन लोगों ने पेरिस के किले को जेल में तब्दील कर दिया और सभी राजा महाराजा और मंत्रियों को किले में बंदी बना लिया गया, जैसे जेल में कैदी को रखा जाता है वैसे ही। और इन लोगों ने अपने अधिकार ले लिए और उनके पसंदीदा आदमी को इन्होंने फ्रांस का राजा बनाया। उसके बाद अगली भविष्यवाणी, नेपोलियन कॉन्क्वेस्ट। नेपोलियन का उदय जो हुआ फ्रांस में, इस बारे में भी नास्त्रदमस ने बता दिया था। इस बारे में उन्होंने लिखा था कि ओ ने लोरन मोर फायर देन ब्लड स्विमिंग इन प्रेज द ग्रेट मैन हरी टू द कॉन्फ्लुएंस ही विल रिफ्यूज एंट्री टू द मैकपी पैम्पोन एंड ड्यूरेंस विल कंबाइन देम। इसमें ये जो तीन शब्द है, पाव ने एंड लोरन, ये तीन नाम है उन इलाकों के जो उन दिनों पेरिस शहर में थे जब नेपोलियन का उदय हुआ था। तब नास्त्रदमस ने कहा था कि यह आदमी सब कुछ जीतता चला जाएगा पर मैकपी जाने से इनकार कर देगा, और ऐसा ही किया था नेपोलियन ने। डिकोड करने वालों ने इसका नाम नेपोलियन रॉय बताया था, यानी नेपोलियन जो पॉम्पन और ड्यूरेंस को कैद करेगा। इसका मतलब नेपोलियन ने पोपेस पियो चौथे और पांचवें को कैदी बनाया था वो, यानी नास्त्रदमस ने कहा था कि यह जहां पर भी जाएगा उसकी जीत होगी, लेकिन आखिर में जेल के अंदर उनकी मौत होगी। अगर आपको इतिहास के बारे में पता हो तो नेपोलियन को आखिर में एक टापू पर बंदी बनाया गया था जहां उनकी मौत हुई थी। अगली भविष्यवाणी, लुई पाश्वर डिस्कवरी। लुई पाश्वर एक महान वैज्ञानिक हुए जिनके बारे में नास्त्रदमस ने लिखा था कि द लॉस्ट थिंग इज डिस्कवर हिडन फॉर मैनी सेंचुरी पाश्चर विल बी सेलिब्रेटेड ऑलमोस्ट एज ए गॉड लाइक फिगर दिस इज वेन द मून कंप्लीट हर ग्रेट साइकिल बट बाय अदर रूमर्स ही शैल बी डिसऑनर्ड। इसका मतलब होता है कि खोई हुई चीज फिर से खोजी जाएगी, यानी जो चीज सदियों से खो गई थी उसे फिर से खोज लिया जाएगा, और पाश्चर इस खोज का जश्न मनाएगा और लोग उनकी भगवान की तरह पूजा करेंगे। और जब चंद्रमा अपनी साइकिल पूरी करेगा तब अफवाहों के कारण इसे बदनाम किया जाएगा, और लुई पाश्वर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसा नास्त्रदमस ने बताया था। साल 1822 में जन्मे लुई पाश्वर एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया था कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि फर्मेंटेशन के कारण बनती है। इन्होंने पता लगाया कि जीवाणु ऐसे ही प्रकट नहीं होते जैसा लोग मानते आए थे। जीवाणु लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण पैदा होते हैं जिसे बायोजेनेसिस कहते हैं, यानी जो खोई हुई चीज थी उनका पता लगा दुनिया को। उन्होंने बैक्टीरिया को हटाने के लिए एक आविष्कार किया जिसे उनके नाम पर पाश्चराइजेशन कहते हैं। पाश्चराइजेशन का मतलब है कि किसी भी चीज से बैक्टीरिया को कैसे हटाया जाता है ताकि वो चीज खराब ना हो। और उनके शुरुआती काम से रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोग के लिए टीके का निर्माण भी हुआ था। लेकिन विज्ञान के इतिहासकारों ने, जिसमें गेराल्ड एल गेसन मुख्य थे, इन्होंने एक बुक के जरिए लुई पाश्वर को लेकर ऐसी कहानियां बनाई जिस कारण लुई पाश्वर बहुत बदनाम हो गया, जो असल में एक महान वैज्ञानिक थे। यानी नास्त्रदमस ने इस भविष्यवाणी में पाश्चर नाम भी बता दिया था और उनके साथ क्या होगा यह भी बता दिया था। उसके बाद अगली भविष्यवाणी, एडोल्फ हिटलर टेरर इन यूरोप। नास्त्रदमस ने हिटलर के बारे में तो साफ साफ लिख दिया था, फ्रॉम द डेथ ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप ए यंग चाइल्ड विल बी बोर्न ऑफ पुअर पीपल ही हु बाय हिज टंग विल सेड्यूस अ ग्रेट ट्रूप्स His fame will increase toward the realm of the east, and beast ferocious with hunger will cross the river. The great part of the battlefield will be against Easter. Into a keg of iron will the great one be drawn, when the child of Germany observe nothing. इसका मतलब होता है कि पश्चिमी यूरोप में गरीब लोगों की आबादी में एक बच्चा जन्म लेगा जो अपनी जुबान से एक बहुत बड़ी सेना को बनाएगा और उसकी ख्याति पूर्व की तरफ बढ़ेगी। अब हिटलर का जन्म वेस्ट यूरोप में एक गरीब परिवार में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के लोगों को नाजी पार्टी के जरिए
हिटलर ने तीखे और उकसाने वाले भाषण देकर दूसरे विश्व युद्ध के लिए उकसाया था, ये तो आप जानते ही है। और पूरब में ख्याति यानी जर्मनी की इस तरफ पूरब में ऑटोमन एम्पायर और जापान जैसे कई देशों ने हिटलर का साथ दिया था। दूसरी कविता का मतलब है कि भूखे जानवर नदी को पार करेंगे और युद्ध के मैदान में एक बड़ा हिस्सा हिस्टर के खिलाफ होगा। नास्त्रदमस ने अपनी कविता में हिस्टर नाम दिया था हिटलर को। लोहे के पिंजरे का मतलब गैस चैम्बर, जिसका इस्तेमाल हिटलर ने यहूदी लोगों को जलाने के लिए किया था। जब हिटलर को कुछ भी नहीं दिखाई देगा तब। अगर हिटलर के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि हिटलर ने ऐसा ही किया था जैसा नास्त्रदमस ने लिखा था। अगली भविष्यवाणी चार्ल्स डी गुल्लेस लीडरशिप। चार्ल्स डी गुल्ले के बारे में नास्त्रदमस ने लिखा था कि हरक्यूलस बिकम किंग ऑफ रोम एंड ऑफ एनमार्क, अ मैन नेम्ड डी गुल्ले इज अ थ्री टाइम लीडर, इटली एंड द वाटर ऑफ वेनिस विल ट्रम्बल, ही विल बी रिनोव अबाउट द मोनार्क। मतलब हरक्यूलस रोम और एनमार्क का राजा बना, डी गुल्ले तीन बार लीडर बनेगा, इटली और वेनिस का पानी कांपने लगेगा और यह लीडर सभी लीडर से ऊपर होगा। तो इस इमेज को देखें, यह है चार्ल्स डी गुल्ले जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ्री फ्रांस आर्मी के नेता बने। फिर कुछ समय बाद ये दूसरे विश्व युद्ध की प्रोविजनल पोस्ट सरकार के प्रधानमंत्री बने और आखिर में साल 1959 में फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक का राष्ट्रपति पद संभाला था इन्होंने। यानी डी गुल्ले तीन बार लीडर बने और आखिर में सभी लीडर के लीडर राष्ट्रपति बने, जैसा नास्त्रदमस ने लिखा था। अगली भविष्यवाणी जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन। इस बारे में नास्त्रदमस ने लिखा था कि द एशियंट टास्क विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम ऑन हाई, इविल विल फॉल ऑन ही ग्रेट मैन, अ डेड इनोसेंट विल बी अक्यूज ऑफ द डीड, द गिल्टी वन विल रिमेन इन द मिस्ट। मतलब एक प्राचीन काम पूरा होगा जिसमें ऊपर से एक बुरा इंसान एक अच्छे इंसान पर गिरेगा, जिसमें निर्दोष को मौत की सजा मिलेगी और जो यह काम करने वाला बुरा इंसान है वो रहस्य यानी मिस्ट्री बन जाएगा। तो जॉन एफ कैनेडी की जब साल 1963 में गोली मारकर हत्या की गई तो गोली ऊपर से आई थी, फ्रॉम ऑन हाई, एक बुरे आदमी ने अच्छे आदमी को मारा और इसके बाद ली हार्वी ओसवाल्ड नाम के आदमी पर मुकदमा चला जिसमें ओसवाल्ड की मौत हो गई। लेकिन आज भी यह किसी को नहीं पता कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और उनके आखिरी फेमस भविष्यवाणी 9/11 हमला। इस बारे में नास्त्रदमस ने लिखा है कि द स्काई विल बर्न एट 45 डिग्री, फायर अप्रोच द ग्रेट न्यू सिटी, बाय फायर ही विल डिस्ट्रॉय देयर सिटी, अ कोल्ड एंड क्रूल हर्ट ब्लड विल पोर, मर्की टू नन। 45 डिग्री पर आकाश जलेगा, ग्रेट न्यू सिटी आग से नष्ट होगा जिसमें खून बहेगा और दया नहीं होगी। इस घटना के बारे में आप जानते ही है कि 2001 में 11 सितंबर के दिन न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर पर हाईजेक प्लेन क्रैश किया गया था जिसमें कई लोग मारे गए थे और न्यूयॉर्क शहर 45 डिग्री यानी अक्षांश के बहुत पास में आता है। तो इसके अलावा नास्त्रदमस ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे उस बारे में भी लिखा था कि जैसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा ऐसा धमाका होगा, आसमान में अंधेरा हो जाएगा, बीमारियां फैलेगी, ऐसा बहुत कुछ इस बारे में बताया है जैसा उस हमले में हुआ था। और आज से 500 साल पहले कौन यह मान सकता था कि इंसान कभी चांद पर जाएगा, लेकिन नास्त्रदमस ने भविष्यवाणी की थी कि इंसान चांद पर भी जाएगा। तो सबसे पहले चांद पर कौन गया था, अगर आपको उसका नाम पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अब तक जो लोग नास्त्रदमस की बुक द प्रोफेसीज को डिकोड करने में लगे थे या जिन्होंने डिकोड कर दी है उनके मुताबिक अभी तक 800 जितनी भविष्यवाणियां सही साबित हुई है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि नास्त्रदमस ने 6338 भविष्यवाणियां लिखी है तो क्या बाकी की सब झूठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। नास्त्रदमस ने साल 1550 से लेकर साल 3797 तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं होगी उन सभी के लिए भविष्यवाणियां लिखी है। कब तक? साल 3797 तक, यानी
आज से आगे 1700-1800 साल तक जो घटनाएं होगी उस पर लिखा जा चुका है। अब बात करेंगे कि नास्त्रेदमस ने वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में यानी तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जो भविष्यवाणियां की है उसकी। तो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स के बीच तीसरा विश्व युद्ध होगा और जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह तीसरा विश्व युद्ध दक्षिण प्राचीन एशिया से शुरू होगा, यानी यहां से एशिया के इस भाग से एक संयुक्त सेना इसकी शुरुआत करेगी। और अगर आज के समय की बात करें तो हमारा भारत चाइना और पाकिस्तान दोनों से परेशान है। इन तीनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना तो बड़ी है ही, तीनों देश के पास परमाणु हथियार भी है। तो मौजूदा समय में स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण प्राचीन एशिया में और भी कई देश है, तो तीसरा विश्व युद्ध कहीं से भी शुरू हो सकता है। और आस्तिक और नास्तिक यानी भगवान को मानने वाले और भगवान को ना मानने वालों के बीच होगा, लेकिन कब होगा इस बारे में कुछ बताया नहीं गया है। इसमें कौन जीतेगा और क्या होगा इस बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। फिर भी कुछ कुछ जगहों पर बताया गया है कि आस्तिक जीतेंगे। तो कुछ जगह पर यह विश्व युद्ध साल 2012 से लेकर 2025 के बीच होगा ऐसा भी लिखा गया है, लेकिन पता तो हमें तभी चलेगा जब यह होगा। और नास्त्रेदमस की कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां गलत भी साबित हुई है। जैसे उन्होंने साल 1999 में दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसा लिखा था, जिस कारण दुनिया के लोग इससे बचने की कोशिश करने लगे थे और क्या क्या बना दिया था लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर साल 2012 में जो महाप्रलय आने वाला था वो भी गलत साबित हुआ, लेकिन नास्त्रेदमस ने इस साल यानी 2021 में दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसी और एक भविष्यवाणी की है। असल में इस साल मई महीने में एक उल्का पिंड आएगा जो हमारी पृथ्वी से टकराएगा, जिस कारण भूकंप और सुनामी आएंगे और करीब करीब हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि कुछ समय पहले नासा ने ऐसी खबर दी थी कि एक उल्का पिंड हमारी धरती की तरफ आ रहा है, जिसका नाम द एस्ट्रॉइड 2009 FZ4 है, जिस पर हमारे वैज्ञानिकों की नजर 2009 से है। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस साल मई के महीने में यह उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा सकता है। और अगर इस धूमकेतु की बात करें तो यह जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 15 गुना मजबूत है। तो अब यह होगा कि नहीं वो तो मई महीने में पता चल ही जाएगा। अब बात करेंगे कि हमारे भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। नास्त्रेदमस ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भविष्यवाणी की थी, सत्ता से बाहर गई स्त्री फिर से सत्ता में आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचेंगे, 3 साल के कार्यकाल के बाद करीब 70 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। इसमें हुआ यह था कि इमरजेंसी के बाद यानी साल 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, लेकिन फिर साल 1980 में यानी 3 साल बाद फिर से वह सत्ता में आ गई थी। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण साल 1994 में इंदिरा गांधी की मौत हो गई, तब उनकी उम्र करीब 66 साल की थी। यानी नास्त्रेदमस ने इस बारे में जो लिखा था वो सही साबित हुआ था। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी नास्त्रेदमस ने लिखा था कि एक दूसरे से अजनबी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करेंगे, ऊंचे सपने और आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे, एक किला आजाद करा लिया जाएगा और हुकूमत देखती रह जाएगी, भारी मारकाट से वो बौखला जाएंगे, एक नेता अपने देश से दूर किसी पनडुब्बी में छिप कर जाएगा और अलग भाषा और अलग संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा और एक युद्ध में हिस्सा लेगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इस घटना के बारे में आप जानते ही होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जापान गए और फिर जर्मनी गए, वहां के नेताओं से यानी हिटलर से भारत को आजाद कराने के लिए मदद मांगी, फिर आजाद हिंद फौज बनाई गई और साल 1944 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। और नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी है उस आदमी की जो दुनिया में शांति की स्थापना करेगा। इस आदमी के बारे में नास्त्रेदमस ने कहा है कि यह आदमी उस जगह पर जन्म लेगा जो जगह 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई है। तो एक तो हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है,
पर दुनिया में ऐसी और भी बहुत सी जगह होगी जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हो सकती है, तो वहां भी यह शांति दूत जन्म ले सकता है, लेकिन कब यह नास्त्रदमस ने नहीं बताया है। अब बात करेंगे इस साल यानी 2021 को लेकर नास्त्रदमस ने क्या क्या भविष्यवाणियां की है उस बारे में। तो 2021 को लेकर उनका यह कहना है कि इस साल जो पीछे बताया कि धूमकेतु से धरती टकरा सकती है। दूसरा, इस साल बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आएगी जिसमें सुनामी, सूखा पड़ सकता है, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, भूकंप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार होगा, मतलब साल 2021 नेचुरल डिजास्टर से भरा होगा। और अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी कहा गया है कि इस साल अधमरे इंसान आएंगे यानी आधे जिंदा और आधे मरे हुए। अगर ये आएंगे तो पता नहीं क्यों आएंगे, लेकिन इंटरनेट पर आपको ऐसी कई कहानियां देखने को मिलेगी, पता नहीं यह चर्च है कि झूठ है। अब नास्त्रदमस ने जो अपने किताब में भविष्यवाणियां लिखी है वो पहेलियों की तरह लिखी है और इसे डिकोड करने वाले बहुत से लोग हैं। तो सभी डिकोड करने वाले अगर एक साथ बैठ जाए तो वे लोग भी अलग अलग बात रखेंगे कि नास्त्रदमस ने ऐसा कहा है, तो कोई कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने तो ऐसा कहा है। यानी यह डिकोड करने वाले लोग भी एकमत नहीं हो सकते, तो इसे मानना या न मानना यह आपके हाथ में है। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे होता है, लेकिन जो हुआ है वो मैंने आपको बताया, और आपके जो विचार है इस पर वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप। तो ये थी भविष्यवक्ता नास्त्रदमस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।